बड़ी खबर का रुख करते हैं। शनि शिंगणापुर के बाद अब त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर संग्राम जारी है। आज एक बार फिर से भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं ने मंदिर जाने की कोशिश की। पुलिस ने आधे रास्ते से ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई समेत कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया। अब हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी इन महिलाओं ने मंदिर के गर्भगृह में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने तृप्ति देसाई को हिरासत में लिया था, लेकिन आधी रात को ही तृप्ति देसाई को छोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि भूमाता ब्रिगेड त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाकर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहती है, जबकि मंदिर प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि शनि शिंगणापुर में भी महिलाओं के प्रवेश को लेकर तृप्ति देसाई ने आंदोलन छेड़ा था। ये भूमाता ब्रिगेड वही है जिसने हाल ही में शनि शिंगणापुर मंदिर में शनि चबूतरे तक महिलाओं के प्रवेश को लेकर आंदोलन छेड़ रखा था। अब वही लड़ाई शनि से शिव के दरबार तक आ पहुंची है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा को लेकर भी इस ब्रिगेड की खेमेबंदी वैसी ही दिखी जैसी शनि शिंगणापुर को लेकर दिख रही थी। नासिक से 28 किलोमीटर दूर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अभी तक इस मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के जाने पर पाबंदी थी, लेकिन भूमाता ब्रिगेड ने इसी साल 18 फरवरी को त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी और प्रथा का विरोध करते हुए चुनौती दी कि वो महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के गर्भगृह में पूजा करेगी। महिलाओं को प्रवेश नहीं है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अगर काशी विश्वेश्वर और सारे ज्योतिर्लिंग में प्रवेश है तो त्र्यंबकेश्वर में क्यों नहीं? देखिए, सैकड़ों साल की परंपरा है त्र्यंबकेश्वर भगवान के मंदिर में शिवों को कोई अलाउड नहीं अंदर जाने का, क्योंकि यहाँ पे केवल शिव नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश है। विशेष ब्रह्मा जी का स्थान है और जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी का स्थान है वहाँ पे स्त्रियों को अलाउड नहीं है, और ये अभी से नहीं परंपरा है। त्र्यंबकेश्वर में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, उस पर एक तर्क दिया जाता है, पहले उसे सुनिए। अर्ध वस्त्रधारी पुरुषों को ही वहाँ पे अंदर जाने की ये है परमिशन, अनुमति है, और वो भी एक घंटे के लिए। तो मुझे लगता है कि अर्ध वस्त्रधारी तो तृप्ति देसाई को, अगर वो सुशिक्षित है, सुसंस्कारित लेडी है, भारत की नारी है, तो ये किसी भी भारतीय नारी को लज्जास्पद है कि हम भी क्या कमर के नीचे वस्त्र डालकर गर्भगृह में प्रवेश करें, ऐसा उनका मानना है। धर्म का मामला है, इस पर सीधे सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन प्रथाओं पर बहस तो की ही जा सकती है। जिस सृष्टि का जन्म स्त्री के बगैर असंभव है, उस स्त्री के बिना हम पृथ्वी पर महिलाओं के खिलाफ ही चल रही प्रथाओं को कैसे ढो सकते हैं। नासिक से अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। सीधे नासिक का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज दूसरे दिन फिर से तृप्ति देसाई और इन महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में इन्हें रोका गया और फिर से हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, इनकी आज भी कोशिश जो रही है वह भी नाकामयाब हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कल लगातार दिन भर उठापटक चली और उसके बीच इनको जो नासिक बॉर्डर है उसी बॉर्डर पे इन्हें रोक लिया गया था। सिंगोटे गांव है और उसी में इन्हें रात भर रखा गया था, लेकिन देर रात इन्हें छोड़ दिया गया था इस एश्योरेंस में कि यह पुणे जाएंगी और पुणे से फिर वह वापस त्र्यंबकेश्वर नहीं आएंगी। लेकिन रात में इनका पूरा प्लान बदला, रात में फिर से यह त्र्यंबकेश्वर के लिए रवाना हो गई और फिर से जब नासिक बॉर्डर जो है सिंगोटे गांव है उन्हें यहां पर रोक लिया गया है। छह महिलाएं हैं तृप्ति देसाई के साथ में, टोटल छह महिलाएं। उनका जिद यह इस बात को लेकर है कि आज महिला दिवस है, महिला दिवस पे कम से कम हमें जाके मंदिर में दर्शन करना चाहिए। सीख देख रही है, यही वह त्र्यंबकेश्वर भगवान का जो मंदिर है आदि ज्योतिर्लिंग बार ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर मौजूद हैं। और इस मंदिर में उनका सिर्फ यह कहना है कि हम गर्भगृह में भले जाने ना दिया जाए, लेकिन मंदिर में जिससे महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है, जहां तक महिलाएं दर्शन करती है वहां तक कम से कम हमें जाकर दर्शन कराया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पुलिस की हिरासत में अभी भी लगातार वह लोग हैं, पुलिस उनसे लगातार बयान ले रही है। पुलिस का साफ कहना है कि हम जाने नहीं देंगे, और गांव वाले भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है। उनका साफ कहना है कि किसी भी सूरत में कि ऐसी महिलाओं को हम यहाँ पे एंट्री होने देंगे नहीं। लेकिन तृप्ति देसाई की जो टीम है वह इस बात पर अड़ी है कि आज महिला दिवस है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और इसलिए हम किसी भी सूरत में त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करके ही रहेंगे। अभिषेक, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो अभिषेक का कहना है कि फिलहाल तृप्ति देसाई और इन महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है और इन्हें मंदिर के अंदर जहां तक महिलाएं जा सकती है वहां भी जाने की अभी तक इजाजत नहीं मिली है। आगे